राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। सभी को प्रणाम। दोस्तों, आजकल के दौर में सब आगे बढ़ने की होड़ में इस तरह लगे हुए हैं कि धन कमाने में अपना सारा समय लगा देते हैं। कई महत्वपूर्ण भावनाओं को लुप्त होते हुए देखा जा रहा है। परोपकार, करुणा जैसी भावनाएं जीवन से जैसे नाता ही तोड़ चुकी हैं। भारतीय सनातन संस्कृति का अभिन्न धर्म है परोपकारी होना, और ये गुण हमारे आने वाले पीढ़ी में भी होना चाहिए। दोस्तों, हमारी वैदिक सनातन संस्कृति इतनी धनी है कि हम अपने स्वयं को और बच्चों को कितनी महत्वपूर्ण सीखें दे सकते हैं। ऐसी नैतिक शिक्षाओं से पूर्ण कई पौराणिक कहानियाँ लिखी गई हैं। ऐसी ही एक कहानी आज आपके लिए लाई हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के दुखों को समझता है और जब दूसरों के दुख पर उपकार करे तो अपने मन में कोई अभिमान ना आने दे। आइए श्रवण करते हैं ऐसी एक सुंदर सी कहानी को जिसका शीर्षक है परोपकार। प्राचीन काल में हमारे देश में एक महान परोपकारी राजा हुए हैं। उनका नाम रंतिदेव था। वे चंद्रनगर में राज्य करते थे। दूसरों की भलाई के लिए वे सदा तत्पर रहा करते थे। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी, सब प्रकार का आनंद था। एक बार उनके राज्य में घोर अकाल पड़ा। खेती सब नष्ट हो गई, जलाशय सूख गए, चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगे। भूख प्यास से व्याकुल हो होकर अनेक व्यक्ति मरने लगे। राजा रंतिदेव अपनी प्रजा की यह हालत देखकर अत्यंत दुखी हुए। वे प्रजा के दुख दूर करने का उपाय खोजने लगे। उन्होंने राजकोष के अन्नागारों को खुलवा दिया, परंतु फिर भी प्रजा का संकट नहीं मिटा। धीरे धीरे उनके राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि राजा रंतिदेव के पास प्रजा की सहायता का कोई उपाय ही नहीं रह गया। उन्होंने अपनी रानी तथा अपनी संतान के साथ राजभवन छोड़ दिया और वे वन में तपस्या करने चले गए। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। सारा शरीर सूख कर कंकाल बन गया। आँखों की ज्योति मंद पड़ गई, इंद्रियाँ शिथिल पड़ गईं। फिर भी वे अपनी तपस्या में लीन रहे। अंत में भगवान प्रसन्न हुए। वे राजा रंतिदेव के उग्र तप से प्रकट हुए और बोले, मांगो राजन, क्या चाहते हो? राजा रंतिदेव ने भगवान को सम्मुख देखकर स्तुति की, फिर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु केवल यही वर दो कि मेरी प्रजा सुखी रहे, उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। भगवान ने कहा, तथास्तु राजन, ऐसा ही होगा। तुमने परहित के लिए उत्तम वर मांगा है, जाओ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। भगवान का ऐसा वर पाकर राजा रंतिदेव अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने भगवान की वंदना की। भगवान वर देकर अंतर्धान हो गए। रानी ने अपने पति को कई मास के बाद भोजन बनाकर भेजा। राजा रंतिदेव ने जैसे ही खाने को हाथ बढ़ाया कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने कई कुत्तों के साथ उनके सामने आकर खड़ा हुआ। बोला, राजन, मेरे ये कुत्ते और मैं कई दिनों से भूखे हैं, लाओ कुछ भोजन दे दो, बड़ा पुण्य होगा। राजा रंतिदेव ने प्रसन्न होकर अपना भोजन उस बूढ़े अतिथि को दे दिया। भोजन के देते ही
देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। वह बूढ़ा अतिथि अंतर्धान हो गया और राजा रंतिदेव के सामने भगवान आ गए। बोले, राजन, यह मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम महान हो, तुम्हारा हृदय विशाल है, जाओ और राज्य सुख प्राप्त करो। राजा रंतिदेव प्रभु के पुनः दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गए। राजा रंतिदेव की कठिन तपस्या का फल यह हुआ कि उनकी प्रजा सुखी हो गई। राज्य में चारों ओर आनंद छा गया। सीख, जो परोपकारी हैं वे स्वयं सुखी होते हैं और दूसरों को सुख देते हैं। परोपकार धर्म का महान लक्षण है। तो दोस्तों, देखा आपने परोपकारी होने से कितना बड़ा और कैसा अनमोल वरदान मिला राजा को। हमारी छोटी मदद से भी हम समाज में योगदान दे सकते हैं। क्यों ना हम ऐसे दिव्य गुणों को अपने स्वभाव में उतार लें और उन्हें अपनी आदत बना लें। ऐसे छोटे छोटे योगदान से हम जीवन में कई अच्छे कार्य कर सकते हैं। मानव जीवन का अमूल्य एवं बड़ा धर्म माना गया है परोपकारी होना। आशा है आपको आज की ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक शेयर आइकॉन को दबाइए। अपने मित्रों, संबंधियों एवं सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें। अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। ज्ञान की इस गंगा में और रोचक कहानियों को सुनने के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करें। कैसे? बड़ा सरल है, बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।